Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. अय्यप्पा की कृपा से महेशी का अंत हो रहा है। मेरे क्रोध की अग्नि तुम्हारे साथ तुम्हारे विकारों को भी नष्ट करेगी महेशी। हरी भी है और हरा भी। जिनके भीतर हरा और हरी दोनों का क्रोध भाव समाया हो उन पर नियंत्रण करना अत्यंत कठिन है। अतः हमें प्रभु अय्यप्पा को शांत करना ही होगा। और यदि इनके क्रोध को शांत करने का शीघ्र ही कोई मार्ग नहीं निकाला गया तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। तो इन्हें शांत करने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, प्रभु की स्तुति। प्रणाम देव ऋषि। हमें असुरी महेशी से मुक्त कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। चिंता मत कीजिए देवराज, महिषी का अंत हो चुका है। प्रदान करने के लिए आपका अनेकों धन्यवाद। वो कौन थी माँ? ऋषि कन्या लीला थी। ऋषि कन्या इतनी भयंकर राक्षस से कैसे बन गई माँ? वो माया से प्रभावित होकर अपने मूल स्वभाव से भटक गई थी और उसने एक ऋषि की तपस्या भंग कर दी। इसीलिए उसे श्राप मिला कि उसका अगला जन्म एक असुरी महिषी के रूप में ही होगा और उसके बाद ही उसे मुक्ति प्राप्त होगी। प्रभु, आपने मुझे मेरे शापित जीवन से, मेरे राक्षसी स्वरूप से मुक्ति दिलाकर मुझे कृतार्थ कर दिया। किंतु मेरे जीवन का आधार क्या होगा? प्रभु, मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर मेरा जीवन धन्य कर दीजिए। मुझे क्षमा करें देवी,
जब तक संसार के कोने कोने से मेरे भक्त मेरे स्थापित मंदिर में मेरी पूजा अर्चना करते रहेंगे, मैं विवाहित जीवन में प्रवेश नहीं करूंगा। तो प्रभु, मैं प्रतीक्षा करूंगी। जिस दिन कोई नया भक्त आपके मंदिर में आपके दर्शन हेतु ना आए और आप मुझसे विवाह कर ले। मुझे विश्वास है ऐसा कभी नहीं होगा, किंतु देवी, मैं आपके समर्पण भाव से प्रभावित होकर आपको वरदान देता हूँ। आज से आपको मलिकपुर थुम्मा कहा जाएगा और मेरे दर्शन के पूर्व सभी भक्त आपके दर्शन करेंगे। जैसे आपको पत्थर से मुक्ति मिली है, वैसे ही जब वो पत्थर यहाँ समर्पित करेंगे, उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिलेगी। प्रभु, प्रभु, मैं कृतार्थ हुई। प्रणाम प्रभु। स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा, स्वामी शरणमयप्पा। प्रभु, हम भी आपको अपनी कृतज्ञता अर्पित करना चाहते हैं। प्रभु, देवी लीला के समान आपने हमें भी मुक्त किया। हाँ प्रभु, उसने स्वयं को तो मेरी दृष्टि से बचा लिया, किंतु आपने उसे उसके कर्मों का फल दिया। इसलिए आज मैं भी ये घोषणा करता हूँ कि जो भी पादुकाएं पहने बिना काले वस्त्रों को धारण कर आपका व्रत करेगा एवं आपके दर्शन के लिए आएगा, मेरी वक्र दृष्टि और साढ़े साथी उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। ओम स्वामी, स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा, स्वामी शरणम अय्यप्पा। अब ज्ञात हुआ कि प्रभु अय्यप्पा के व्रत में काले वस्त्र क्यों पहने जाते हैं। किंतु मां बागिन के दूध का क्या हुआ? प्रभु अय्यप्पा ने देवताओं की सहायता की थी, इसीलिए अभी देवता भी प्रभु अय्यप्पा की विशेष सेवा करने के इच्छुक थे। कैसे माँ? जिस कार्य के लिए मैं वन में आया था, अब मुझे वो संपन्न करना है। प्रभु, आपको क्या कार्य सुप्रत किया गया है इसका तो हमें ज्ञात है ही, किंतु आपको ये भी ज्ञात होगा कि ये सर्वस्त षड्यंत्र मंत्री का था। प्रभु, आपने हमारी रक्षा की, अब हमें भी आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। नारायण नारायण। प्रभु, इस षड्यंत्र को रचने वाले को आपकी दिव्यता का अनुमान होना चाहिए, आवश्यक है। क्षमा करें महाराज, परंतु देर बहुत हो चुकी है, अब राजकुमार मणिकंठा की प्रतीक्षा त्याग देनी चाहिए, उनका लौट कराना असंभव है। महामंत्री। महाराज, ये कार्य ही इतना असंभव था? बाघ जैसे वन्य पशु को नियंत्रित करना असंभव है महाराज। यहां कैसे पहुंच गए? पुत्र, भ्राता, स्वामी
नमामि नमामि स्वामी अय्यप्पा हरिहरा स्वरूपा स्वामी अय्यप्पा आराध्या आराध्या स्वामी अय्यप्पा नमामि नमामि स्वामी अय्यप्पा शरणं शरणं स्वामी अय्यप्पा ओंकार ओंकार स्वामी अय्यप्पा नमामि नमामि स्वामी अय्यप्पा मेरा पुत्र असंभव को संभव बनाकर लौट आया। कितना अद्भुत और दिव्य दृष्टि है ये। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत है प्रभु अय्यप्पा की लीला। भक्ति का भाव किसी को भी अछूता नहीं छोड़ता। प्रभु अय्यप्पा की भक्ति से तुम भी अछूते नहीं रहे गणेश। जैसे उस दिन राजा राजशेखर और उनके परिवार के लिए ही नहीं, किंतु उस महान दिव्य घटना से पांडुलम में एक दिव्य आलोकिक प्रकाश छा गया था। हम तो भूल ही गए थे कि आप मात्र हमारे पुत्र नहीं, जगत के रखवाले और पालनहारे भी हैं। उन्हें अपनी दिव्यता का परिचय देने के लिए अनेकों धन्यवाद प्रभु। साधारण नहीं, असाधारण है ये। क्षमा प्रभु, क्षमा, क्षमा प्रभु, क्षमा प्रभु, क्षमा प्रभु, क्षमा क्षमा, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। अपराध? कैसा अपराध? महारानी भी अश्रु बहा रही है, अर्थात एक मां की ममता इतनी दूषित और कलंकित हो सकती है? विश्वास नहीं होता। प्रभु क्षमा, प्रभु क्षमा, हम आपके दोषी हैं, हमें क्षमा करें प्रभु, हमें क्षमा करें। आज स्वयं अपने दृष्टि में दोषी हो गई हूँ मैं। माँ की ममता की लाज को लंचित किया है मैंने। अपराधनी हूँ मैं, अपराधनी। प्रभु हरिहरा की भक्त होकर भी मैं सत्य को नहीं देख पाई। मुझे दंडित करो पुत्र, मुझे दंडित करो। Thank you.
माँ तो एक घने पेड़ के समान होती है, उसी की छाया में पुत्र पलता है और बढ़ता है। मैं भी तो आपकी आंचल के छाव में पला बढ़ा हूँ माँ। मैं जानता हूँ कि मैं आपसे कितना भी दूर चला जाऊँ, परंतु आपकी ममता की छाव सदैव मेरे निकट आ जाएगी। इसलिए मैं तो केवल आपसे आशीष की याचना कर सकता हूँ। मैंने तुमसे अपने आंचल की छाव को समेट कर बहुत बड़ा अपराध किया है पुत्र। ये जानकर भी तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतना सम्मान? तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। नहीं माँ, धन्य तो आप हैं जिन्होंने मुझे इतना योग्य बनाया। यदि आप मुझे जंगल में नहीं भेजती तो मेरे जीवन का प्रयोजन सिद्ध कैसे होता? माँ, यदि आप मुझे जंगल नहीं भेजती तो मेरे जीवन का प्रयोजन सिद्ध कैसे होता? मैं इस संसार को महाअसुरी महिषी से मुक्त कैसे कराता? अर्थात वो वन से जो भयंकर स्वर आ रही थी वो मेरे पुत्र के द्वारा महिषी को पराजित करने का स्वर था। इस राज्य को ही नहीं अपितु समस्त जगत को जिसने दुष्ट आसुरी शक्ति से मुक्त कराया, उससे अधिक मेरा उत्तराधिकारी बनने की योग्य भला और कौन हो सकता है? मुझे तुम पे कभी संदेह नहीं था पुत्र कि तुम में एक योग्य राजा के समस्त गुण हैं। किंतु आपने जो समझा वो उचित है माँ, परंतु मुझे राजा बनने की कोई इच्छा नहीं। समय आने पर अनुज राजराजन ही यहाँ के सिंहासन पर विराजमान होंगे। नहीं भैया, आप ज्येष्ठ हैं। जिस समय पर राज्य का कारभार संभालना आपका ही दायित्व है। हाँ पुत्र, तुम्हारा राजपद का तिरस्कार करना मेरे लिए सबसे बड़ा दंड होगा। नहीं माँ, ये आपका दंड नहीं, आपका सौभाग्य होगा। आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म का प्रयोजन राजा बनना नहीं अपितु संसार का कल्याण करना था और रहेगा। इसीलिए राजपद के योग्य मेरा अनुज राजराजन है। तुम्हारी माँ से भूल अवश्य हुई है पुत्र, किंतु मेरी ममता तुम्हें मुझसे दूर नहीं देखना चाहती। इतना बड़ा दुख मत दो पुत्र, मत दो मुझे। माँ, इतना बड़ा दुख मत दो पुत्र। नहीं माँ, आपको दुख पहुंचाने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, किंतु नियति की गति को तो मुझे स्वीकार करना होगा। अब तक जो हुआ प्रभु ब्रह्मदेव द्वारा आसुरी महिषी को दिए वरदान के अनुसार हुआ। हरिहरा के अंश से उसका अंत हो, ये वरदान मांगते समय उसने ये भी मांगा था कि हरिहरा के उस अंश को पृथ्वी पर राज परिवार में 12 वर्ष बिताने होंगे, और वो समय अब पूर्ण हो चुका है। महिषी का संकट भी दूर हो गया और मेरे अवतार का उद्देश्य भी पूर्ण हुआ। इसलिए मैं अब विवश हूँ माँ, अब मुझे जाना ही होगा। भावावेश में आकर बिना विचार किए जो कर्म किए जाते हैं वे व्यक्ति को पश्चाताप और ग्लानि का पात्र बनाते हैं।